नमस्कार, बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। गढ़चिरौली जिले के मुलचेरा गांव में राष्ट्रगान के बाद भी लोग अपने दुकान खोलते हैं और सामान्य कामकाज करते हैं। दावा है कि इस पहल के शुरू होने के बाद से गांव में कलह में कमी आई है और सद्भाव में वृद्धि हुई है। तो पुणे हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में 80 साल के एक व्यक्ति ने वेट लॉस सर्जरी कराई। ये सर्जरी कराने वाले भारत के वे सबसे बुजुर्ग शख्स हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी पशुओं में लंपी वायरस के मामलों में रोजाना बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सीएम एकनाथ शिंदे ने राज्य के पशुपालन विभाग के अधिकारियों को सतर्क रहने और मवेशियों में लंपी वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए आदेश दे दिए हैं। तो उधर नवी मुंबई के सीबीडी बेलापुर के एक स्कूल के कुछ छात्रों की जान उस समय मुसीबत में पड़ गई जब खारघर के सेक्टर 15 में उनकी स्कूल बस में अचानक आग लग गई। इसी बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे सर्जरी करवाने के बाद अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और वे आगामी महानगर पालिका चुनावों को देखते हुए चुनावी मैदान में उतर गए हैं। प्रदेश की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। गढ़चिरौली जिले के मुलचेरा गांव में सुबह 8:45 बजते ही परेड सावधान एक साथ राष्ट्रगान शुरू का निर्देश आता है। यह आवाज़ सुनते ही ग्रामीण सतर्क स्थिति में खड़े हो जाते और राष्ट्रगान शुरू हो जाता है। राष्ट्रगान के दौरान आसपास के छोटे बड़े वाहन भी रुक जाते हैं और चालक इसका हिस्सा बन जाते हैं। जब राष्ट्रगान समाप्त होता है तो सभी भारत माता की जय का नारा लगाते हैं और फिर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ये लोग देश के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। दुकानदार अपनी दुकानें खोलते हैं और बाजार शुरू हो जाते हैं। दरअसल कुछ महीने पहले तालुका मुख्यालय में मुलचेरा पुलिस स्टेशन में शामिल हुए थानेदार अशोक भापकर ने 15 अगस्त से यह गतिविधि शुरू की है। 15 अगस्त से पहले ही उन्होंने बिना किसी झिझक के व्यापारी वर्ग, युवा पीढ़ी और पत्रकारों से इस पर चर्चा कर इसे शुरू करने का फैसला किया था। इस निर्णय का सभी ने स्वागत किया। तब से स्कूल या हाई स्कूल सभी दिनचर्या के मुताबिक इस गतिविधि को निर्बाध रूप से जारी रखे हुए हैं। कहा जा रहा है कि इस पहल के शुरू होने के बाद से गांव में कलह में कमी आई है और सद्भाव में वृद्धि आई है। साथ ही गांव के लोगों की काम करने की क्षमता और उत्साह में भी काफी बदलाव आया है। मुलचेरा गांव गढ़चिरौली जिले की अहेरी विधानसभा में शामिल है और संभवतः महाराष्ट्र का एकमात्र गांव है जहां राष्ट्रगान के साथ दिन की शुरुआत होती है। इससे मुलचेरा गांव की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। पुणे हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में 80 साल के व्यक्ति ने वेट लॉस सर्जरी कराई। ये सर्जरी कराने वाले भारत के वे सबसे बुजुर्ग शख्स है। KM साफी उल्लाह का वजन पहले 115 किलो था। इस महीने की 8 तारीख को पुणे हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में उन्होंने लेप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोमी सर्जरी कराई। सर्जरी करने वाले बेरियाट्रिक सर्जन डॉक्टर शशांक शाह ने बताया कि सर्जरी करने के बाद 3 दिन में उन्होंने 5 किलो वजन कम किया। सर्जरी करने में आधे घंटे का समय लगा। आने वाले 8-9 महीनों में 40 किलो वजन कम कर लेंगे। डॉक्टर शाह ने बताया कि पिछले 5-6 सालों से साफीउल्लाह बेकाबू डायबिटीज, घुटने और पीठ के गंभीर दर्द से पीड़ित थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी। एडवांस एनेस्थेसियोलॉजी एंड सर्जिकल उपकरण से यह प्रोसेस एकदम आसान है। सभी उल्लास का हाई ब्लड प्रेशर लेवल अब सामान्य होने लगा है। अगले कुछ महीनों में वेट लॉस से डायबिटीज की समस्या में भी आराम मिलेगा। साफी उल्लाह ने बताया कि मैं काफ़ी अच्छा और हल्का महसूस कर रहा हूँ। सर्जरी के बाद इंसुलिन का हाई डोज भी कम हो गया है। मैं पहले 42 यूनिट इंसुलिन लेता था और अब यह 8 यूनिट हो गया है। बता दें कि अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ साफीउल्लाह कुछ दिन पहले पुणे में डॉक्टर शाह से मिले थे। साफीउल्लाह ने कहा कि पीठ दर्द, घुटने का दर्द और सांस लेने में दिक्कत की वजह से जीना मुश्किल हो गया है। महाराष्ट्र में भी पशुओं में लंपी वायरस के मामले में रोजाना बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। खतरे को बढ़ता देख सीएम एकनाथ शिंदे ने राज्य के पशुपालन विभाग के अधिकारियों को सतर्क रहने और मवेशियों में लंपी वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र में बढ़ रहे लंपी वायरस के मामले को देखते हुए महाराष्ट्र सीएमओ की तरफ से एक बयान भी जारी कर दिया गया है। इस बयान के मुताबिक महाराष्ट्र में कई जिलों में और दिन में हुई कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा की गई है। इसके साथ ही अधिकारियों से वायरस को लेकर सभी जिलों में जागरूकता अभियान चलाने और लोगों को फौरन सहायता देने के लिए अपने क्षेत्रों में मौजूद रहने को कहा गया है। इस बयान में बताया गया है कि टोल फ्री नंबर 1800 23 30
4118 के साथ साथ राज्य स्तरीय कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1962 लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया है। पिछले हफ्ते शिंदे सरकार ने मवेशियों में लंपी वायरस के मामले को रोकने के लिए पूरे राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया था। पिछले एक महीने में राज्य में लंपी वायरस के संक्रमण की वजह से 22 मवेशियों की मौत हो गई। प्रदेश की कई जिलों में लंपी वायरस के मामले सामने आए, इनमें से अहमदनगर, जलगांव, पुणे, औरंगाबाद, सातारा, अकोला, धुले, बीड, बुलढाणा, अमरावती, उस्मानाबाद, कोल्हापुर और लातूर जिले के 133 गांवों में यह वायरस फैल चुका है। नवी मुंबई के सीबीडी बेलापुर के एक स्कूल के कुछ छात्रों की जान उस समय मुसीबत में पड़ गई थी जब खारघर के सेक्टर 15 में उनकी स्कूल बस अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंची खारघर फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू टीम ने आग को कुछ ही मिनटों में बुझा दिया। इससे पहले बस ड्राइवर और बस में मौजूद शिक्षक ने रेगिरों की मदद से आग लगने के तुरंत बाद चार छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया था। खारघर फायर ब्रिगेड ने बताया कि जब स्कूल बस खारघर के सेक्टर 15 में घरकुल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के पास पहुंची तो उसके इंजन के बोनेट में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। बस चालक ने इंजन के बोनेट से धुआं निकलते देखा तो उसने तुरंत बस को सड़क किनारे रोक दिया। जब तक आग पूरी बस को अपनी चपेट में लेती, इससे पहले ही रेगिरों की मदद से छात्रों को बस से बाहर निकाला गया। हमें सुबह 11:30 बजे एक बस में आग लगने की सूचना मिली। घटना के समय बस में चार छात्र थे। असिस्टेंट टीचर व ड्राइवर ने स्थिति को अच्छी तरह से संभाला और किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा। बाद में स्कूल की प्रिंसिपल को सूचित किया गया। छात्रों को उनके माता पिता को सौंप दिया गया है। खारघर पुलिस के वरिष्ठ निरीक्षक संदीपन शिंदे ने बताया कि फायर ब्रिगेड ने 5 मिनट के भीतर बस में लगी आग पर काबू पा लिया और बस को पूरी तरह से जलने से बचा लिया। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे सर्जरी करवाने के बाद अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और वे आगामी महानगर पालिका चुनाव के देखते हुए चुनावी मैदान में उतर गए हैं। राज ठाकरे 17 सितंबर को विदर्भ के दौरे पर रवाना होने वाले हैं। 18 सितंबर को नागपुर पहुंचेंगे। 18 से 19 सितंबर को राज ठाकरे चुनाव के संबंध में पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद 20 सितंबर को वो चंद्रपुर जिले के लिए नागपुर से रवाना होंगे। राज ठाकरे 21 सितंबर को अमरावती का भी दौरा करेंगे। इस दौरान अमरावती में 21 और 22 सितंबर को पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी करेंगे। इसके बाद 23 सितंबर को राज ठाकरे मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से इस बात पर भी चर्चा चल रही है कि इस साल होने वाले महानगर पालिका चुनाव में शिंदे बीजेपी गुट के साथ राज ठाकरे भी जुड़ सकते हैं। हालांकि इस मामले पर अभी शिंदे गुट बीजेपी या फिर राज ठाकरे की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बीजेपी की तरफ से यह खबर सामने आ रही है कि MNS के साथ गठबंधन की बात महज का एक अफवाह है। बीजेपी के दिग्गज नेता और राज्य के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने खुद कहा है कि आने वाले चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच राज्य के कई क्षेत्रों में जमकर झड़प देखी जा रही है। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को समाजवादी पार्टी गठबंधन से अलग होने के बाद उनकी अपनी पार्टी के पदाधिकारी एक के बाद एक झटके दे रहे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से ये आरोप लगाए जाने पर कि आप मेधा पाटकर को गुजरात में CM उम्मीदवार बना सकती है, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी मोदी के बाद सोनिया गांधी को PM बनाने जा रही है। तो उधर उत्तराखंड में भी मदरसों की गतिविधियों का सर्वे किया जाएगा। CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी मदरसों पर कड़ी नजर रखते हुए सर्वे की कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। एक सप्ताह के भीतर पार्टी करीब 7 बार विवादों में आ चुकी है। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच राज्य के कई क्षेत्रों में जमकर झड़प देखी जा रही है। इधर पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई में भाजपा के कई बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। भाजपा सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार की भ्रष्ट गतिविधियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। खबर है कि पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। भाजपा के प्रदेश प्रमुख सुकांत मुजुमदार ने कहा कि राज्य की पुलिस TMC कैडर की तरह बर्ताव कर रही है।
साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि सचिवालय तक मार्च के लिए उन्हें इजाजत नहीं दी गई थी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने भाजपा नेता और विधायक शुभेंदु अधिकारी को हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा राहुल सिन्हा और सांसद लॉकेट चटर्जी को भी हिरासत में लिया गया है। खबर है कि इन नेताओं को लाल बाजार स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय ले जाया गया है। राजधानी कोलकाता में नाबन्ना यानी राज्य सचिवालय अभियान में हिस्सा लेने जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच रानीगंज पर झड़प हुई। यही नजारा बाद में बोलपुर रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिला। खबर है कि पुलिस भाजपा के सदस्यों को नाबन्ना चलो मार्च में जाने से रोकने की कोशिश कर रही है। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को समाजवादी पार्टी गठबंधन से अलग होने के बाद उनकी अपनी पार्टी के पदाधिकारी एक के बाद एक झटके दे रहे हैं। कल सोमवार को एक बार फिर कई पदाधिकारियों ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे दिया। ऐसा करते वक्त उन्होंने राजभर पार्टी की मूल नीतियों से भटक जाने का आरोप भी लगाया। इस्तीफा देने वालों में सुभासपा, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मास्टर राधेश्याम सिंह, कुशीनगर के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जिला प्रभारी बृजेश सिंह, जिला सचिव संजय राजभर सहित कई वरिष्ठ पार्टी नेता शामिल रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी अपने मूल कर्तव्य को भूलकर दोहरी नीतियों पर काम कर रही है। मास्टर राधेश्याम सिंह की अगुवाई में सभी पदाधिकारियों ने सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को पार्टी के सभी पदों और सदस्यता से अपना इस्तीफा भेजा। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी का गठन गरीबों, दबे कुचले और समाज के उत्थान के लिए किया गया था। लेकिन पार्टी की दोहरी नीतियों से कार्यकर्ता आहत हो गए हैं। मिशन से भटक चुके नेताओं के चलते पार्टी कार्यकर्ताओं का विश्वास डगमगाने लगा है। कार्यकर्ताओं के डगमगा रहे विश्वास को संभालने के बजाय नेता अपने हिसाब से निर्णय लेते रहते हैं। नतीजा ये हुआ कि पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं का विश्वास पूरी तरह से डगमगा गया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार पलटवार किया। बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जाने पर कि आप मेधा पाटकर को गुजरात में सीएम उम्मीदवार बना सकती है, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी मोदी के बाद सोनिया गांधी को पीएम बनाने जा रही है। उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर ये बात कहते हुए कहा कि ये मेरा आरोप है बीजेपी पर और आप में हिम्मत है तो उनसे इस पर सवाल करें। मेधा पाटकर को बैकडोर से सीएम कैंडिडेट बनाए जाने को लेकर एक सवाल के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि मैं भी तो यही कर रहा हूं कि बीजेपी बैकडोर से सोनिया गांधी को सीएम बनाने जा रही है। मेरा ये कहना है कि इस तरह के तर्क कुतर्क से जनता का भला नहीं होने वाला। बीजेपी हार रही है, कभी वो मेधा पाटकर को लेकर आएंगे बीच में तो कभी और किसी को। बीजेपी ने 27 साल में कुछ नहीं किया। केजरीवाल ने ये भी कहा कि उनकी पार्टी गुजरात में सभी सीटों पर लड़ने जा रही है। गुजरात के 6 करोड़ लोग तय करेंगे कि उन्हें क्या चाहिए। आज सरकार दिल्ली से चलती है, रोज मुख्यमंत्री बदल देते हैं। इनके पास मुख्यमंत्री बनाने लायक आदमी नहीं है। ये बताइए, विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री किसने बनाया? भूपेंद्र पटेल को किसने बनाया? जनता ने तो नहीं बनाया, दिल्ली वालों ने बनाया। उत्तराखंड में भी मदरसों का गतिविधियों का सर्वे किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि सभी मदरसों पर कड़ी नजर रखते हुए सर्वे की कार्रवाई की जाएगी। चिंता जताते हुए कहा कि इन्हें लेकर लगातार शिकायतें आ रही है, ऐसे में इनकी जांच बहुत जरूरी हो गई है। सीएम धामी ने सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मदरसों में कामकाज गतिविधियों को लेकर लगातार शिकायतें आ रही है। इन शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है, इसके लिए सभी मदरसों की जाँच होगी। यूपी की तर्ज पर सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। बता दें कि मदरसों पर सीएम के बयान से ठीक एक दिन पहले कल सोमवार को भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता एवं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा है कि कलियर इलाके के कुछ होटलों और ढाबों में ड्रग्स, सेक्स रैकेट और मानव तस्करी हो रही है। लोगों के सहयोग से इनका सफाया किया जाएगा। सरकार और पुलिस के संज्ञान में ये मामले है। पुलिस लगातार वहाँ काम कर रही है और कई गिरफ्तारियाँ कर चुकी है। शादाब ने दावा किया कि अवैध कामों से क्षेत्र के लोग आजीज आ चुके हैं। कई लोग तो इन अवैध गतिविधियों के चलते घर छोड़ने को विवश है। शादाब ने कहा कि कलियर क्षेत्र में बहुत अच्छे लोग भी रहते हैं, उनको साथ लेकर इस गंदगी को साफ करने का काम किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। करीब 150 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा का आज 7वां दिन है। अगर एक सप्ताह के इस सफर को देखें, पार्टी महज अब तक करीब 7 बार विवादों में आ चुकी है।
पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी के हमले जारी है। इधर कांग्रेस भी लगातार पलटवार कर रही है। यात्रा शुरू होने के तीसरे ही दिन भाजपा और कांग्रेस में राहुल गांधी के टी शर्ट को लेकर बहस शुरू हो गई थी। भाजपा ने दावा किया था कि महंगाई का मुद्दा उठा रहे वायनाड सांसद 41,257 रुपए की टी शर्ट पहने हुए हैं। भाजपा ने ट्विटर पर इससे जुड़े फोटो भी शेयर किए थे। कांग्रेस का कहना था कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे समर्थन से डरा हुआ है। इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा के शुरुआती पड़ाव यानी तमिलनाडु में राहुल ने पादरी जॉर्ज पोनैया से मुलाकात की थी। खास बात यह है कि पोनैया विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। फिर कांग्रेस ने ट्वीट के जरिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा था। पार्टी ने एक फोटो पोस्ट की थी जिसमें संघ की यूनिफॉर्म का हिस्सा रहे निक्कर को जलता हुआ दिखाया गया था। इसके अलावा केरल के दो क्रांतिकारियों गांधीवादी के.ई. मेमन और पद्मश्री पी. गोपीनाथन नायर के स्मारक का अनावरण होना था। निमंत्रण के बावजूद राहुल गांधी इस कार्यक्रम से गायब रहे। कांग्रेस की यात्रा का मौजूदा चरण केरल है। वाम दल का कहना है कि कांग्रेस को भाजपा शासित राज्यों में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। भाजपा और आरएसएस से लड़ने का कांग्रेस का ये अजीब तरीका है। पाकिस्तान के संस्थापक कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की पुण्यतिथि पर उनकी कब्र अंधेरे में डूबी रही। कराची में मौजूद जिन्ना की कब्र को बिजली कटौती का सामना करना पड़ा तो टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर के $44 बिलियन के बाय आउट सौदे में देरी के लिए रूस यूक्रेन संघर्ष को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में तमिल का मुद्दा उठाया और कहा कि श्रीलंका में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। तो उधर चीन ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में सबसे ऊंचे टॉवर का निर्माण किया है। काफी दिनों से बंद पड़ा यह टॉवर गुरुवार से खोला जा सकता है। इसी बीच जॉर्जिया की राजधानी से 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम स्थित ओरोजमनी गांव में एक खुदाई स्थल के पास पुरातत्वविदों ने मानव प्रजाति के 1.8 मिलियन वर्ष पुराने दांत का पता लगाया है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान के संस्थापक कायद ए आजम मोहम्मद अली जिन्ना की पुण्यतिथि पर उनकी कब्र अंधेरे में डूबी रही। कराची में मौजूदा जिन्ना की कब्र को बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक कई घंटे तक जिन्ना की कब्र पर बिजली गुल रही। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि देश के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हर दिन घंटों बिजली कटौती की जा रही है। पाकिस्तान में बाढ़ के बीच बिजली संकट बहुत गंभीर हो गया है। उधर चीनी इंजीनियरों ने काम करने से मना कर दिया है जिससे POK में एक पन बिजली परियोजना कई महीने से ठप है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि 4 घंटे तक बिजली गुल रही जिससे जिन्ना की कब्र पूरी तरह से अंधेरे में डूबी रही। यही नहीं, बिजली नहीं होने की वजह से वहां लगी फ्लड लाइट्स और सुरक्षा कैमरों ने काम करना बंद कर दिया। जिन्ना की मूर्ति और कब्र पर हमले का खतरा मंडराता रहता है। पिछले दिनों जिन्ना की एक मूर्ति को तोड़ दिया गया था। जिन्ना की नीतियों से अभी भी पाकिस्तान में कई लोग नाराज हैं और वे अपना विरोध जताते रहते हैं। कराची पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी है और बिजली संकट से जनता से लेकर उद्योगों का बुरा हाल है। पाकिस्तान को उसके दोस्त चीन ने झटका दिया है और जुलाई महीने से ही करीब 1,000 मेगावाट की बिजली परियोजना को सही नहीं कर रहा है। इससे दोनों ही देशों के बीच तनाव है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर के $44 बिलियन के बाय आउट सौदे में देरी के लिए रूस यूक्रेन संघर्ष को जिम्मेदार ठहराया है। एलन मस्क ने तीसरे विश्व युद्ध को लेकर चिंताओं का हवाला देते हुए कहा कि यदि तीसरा विश्व युद्ध नजदीक है तो ट्विटर खरीदने का कोई मतलब नहीं है। एलन मस्क पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर ट्विटर अधिग्रहण को धीमा कर दिया है। याद रहे एलन मस्क ने ट्विटर के साथ डील तोड़ने की घोषणा करते हुए कहा था कि ट्विटर पर बॉट्स, स्पैम और फर्जी अकाउंट्स है जिस कारण उन्हें ये डील तोड़नी पड़ रही है। इसके अलावा एलन मस्क ने ट्विटर डील तोड़ने के पीछे भारत कनेक्शन का भी जिक्र किया था। सुनवाई के दौरान उन्होंने कोर्ट को बताया था कि ट्विटर भारत सरकार के खिलाफ जोखिम भरे मुकदमे का खुलासा करने में विफल रही। मस्क ने साथ ही ये दावा भी किया कि ट्विटर ने भारत सरकार के खिलाफ जाकर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े बाजार को खतरे में डाल दिया था। मस्क ने डेलावेयर अदालत में एक काउंटर सूट में ये दावा भी किया था कि ट्विटर ने उन्हें कई चीजों के बारे में अंधेरे में रखा। डील के समय उन्हें भारत में चल रहे डेवलपमेंट के बारे में नहीं बताया गया था। कोर्ट के दस्तावेजों के अनुसार मस्क ने कहा कि ट्विटर को भारत में स्थानीय कानून का पालन करना चाहिए। वहीं ट्विटर ने कोर्ट को बताया है कि मस्क के पास कंपनी के बारे में पूरी जानकारी थी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में तमिल का मुद्दा उठाया और कहा कि श्रीलंका में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि ये चिंता का विषय है कि श्रीलंका खुद अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हट रहा है और अभी तक उसने तमिल मुद्दे के समाधान को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।
भारत ने कहा कि पड़ोसी द्वीप राष्ट्र श्रीलंका में शांति और सुलह पर उसका लगातार दृष्टिकोण एक संयुक्त श्रीलंका के ढांचे के भीतर एक राजनीतिक समाधान के लिए रहा है, लेकिन वहां रहने वाले तमिल लोगों के लिए न्याय, शांति, समानता और सम्मान सुनिश्चित करना भी उसका मानवाधिकार है। श्रीलंका इस समय सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ये श्रीलंका के सर्वोत्तम हित में है कि वो अपने नागरिकों के हित में कार्य करे और उनके सशक्तिकरण की दिशा में काम करे। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि श्रीलंका को मानवाधिकारों में सुधार करना चाहिए और मानवीय चुनौतियों से निपटने के लिए संस्थानों को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि देश में लोग भोजन, ईंधन, बिजली और दवा की कमी से जूझ रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के नेतृत्व वाली श्रीलंका की नई सरकार से जुलाई में पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को बाहर करने में मदद करने वाले विरोधी नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए सुरक्षा कानूनों के उपयोग को समाप्त करने का भी आग्रह किया। चीन ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में सबसे ऊंचे टॉवर का निर्माण किया है। काफी दिनों से बंद पड़ा ये टॉवर गुरुवार से खोला जा सकता है। 350 मीटर ऊंचे हरा बैंगनी रंग का ये लोटस टॉवर चीनी पैसे से बना हुआ है, जो कि बेदखल राजपक्षे परिवार की बीजिंग से निकटता का प्रतीक बन चुका है। इस टॉवर की ऊंचाई भारत के सबसे ऊंचे स्टैचू ऑफ यूनिटी से लगभग दोगुनी है। इतनी ऊंचाई का टॉवर भारत में भी अब तक नहीं बन पाया है। इस टॉवर का निर्माण चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के तहत किया गया है। भारत शुरुआत से चीन के इस प्रोजेक्ट का विरोध करता रहा है। इस टॉवर का निर्माण 10 साल पहले तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के कार्यकाल में शुरू हुआ था। इसके बाद से ही ये भ्रष्टाचार के दावों से ग्रसित है। ये टॉवर चीनी ऋण के साथ निर्मित कई सफेद हाथी सदृश परियोजनाओं में से एक है। करीब $113 मिलियन की लागत से तैयार हुए इस लोटस टॉवर के निर्माण में 80% धनराशि चीन ने प्रदान की है। 30,600 वर्ग मीटर में बने इस टॉवर में एक होटल, टेलीकम्युनिकेशन म्यूजियम, ऑडिटोरियम, ऑब्जर्वेशन टॉवर, मॉल शामिल है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना इस टॉवर के निर्माण से जुड़ी चीनी कंपनी पर $11 मिलियन के घपले का आरोप लगा चुके हैं। अब सरकार ने जांच की तो पता चला कि चीन में इस नाम की कोई कंपनी है ही नहीं। धरती के अंदर कई गहरे और सदियों पुराने राज दफन है, जो वक्त वक्त पर खुदाई के दौरान निकलकर इंसानों के सामने आते हैं। हाल ही में पुर्तगाल में पोम्बल शहर में एक मकान के पीछे खाली जमीन पर लगभग 25 मीटर यानी 82 फीट लंबा और लगभग 145 मिलियन वर्ष पुराने यूरोप का सबसे बड़ा डायनासोर का कंकाल मिला था। वहीं अब पुरातत्वविदों ने मानव प्रजाति के 1.8 मिलियन वर्ष पुराने दांत का पता लगाया है। साल 1990 और 2000 के दशक के अंत में मिली 18 लाख साल पुरानी मानव खोपड़ी के बाद वैज्ञानिकों ने 1.8 मिलियन वर्ष पुराने मानव दांत की खोज की है। ये दांत पिछले हफ्ते एक रिसर्चर स्टूडेंट को जॉर्जिया की राजधानी बिलिसी से 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में ओरोजमनी गांव में एक खुदाई स्थल के पास मिला था। ये क्षेत्र दमानिसी के पास स्थित है, जहाँ 18 लाख साल पुरानी मानव खोपड़ी 1990 और 2000 के दशक के अंत में मिली थी। पुरातत्वविदों का मानना है कि हाल ही में इस क्षेत्र को यूरोप में सबसे पहले प्रागैतिहासिक मानव बस्तियों के घर के रूप में मजबूत किया गया है, संभवतः अफ्रीका के बाहर कहीं भी। विशेषज्ञों के अनुसार नवीनतम खोज, जो दमानिसी से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर एक अलग साइट पर थी, और ये सबूत प्रदान करती है कि दक्षिण काकेशस क्षेत्र संभवतः उन पहले स्थानों में से एक था जहाँ शुरुआती मानव अफ्रीका से बाहर निकलने के बाद बसे थे। तो बीकेबी न्यूज के आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।